कड़ोदरा पंथक में रहता उत्तर भारतीय परिवारों द्वारा नदी तथा नहरों में किनारे छठ पूजा करवामां आवी हती। कड़ोदरा खाते देश ना तमाम राज्यना लोको रोजगारी माटे आवी स्थायी थया छे। उत्तर भारतीयोना अति महत्वना छठ पूजाना तहेवारने लईने वहीवटी तंत्र द्वारा कड़ोदरा नगरपालिका ने वरेली ग्राम पंचायत तथा जोड़वा तातीथैया अने चलताण ग्राम पंचायत द्वारा नहेरना किनारे छठ पूजा करी शकाय तेवी व्यवस्था करवामां आवी हती। जेमा त्रण दिवस सुधी व्रत करनार महिलाओं द्वारा भारे आस्था साथे छठ पूजा करवामां आवी हती। मोहनभाई पटेल, महामंत्री, कड़ोदरा नगर भाजप। શું પ્રોગ્રામ છે આજે? આજે જે વર્ષોથી અને પરંપરાગત રીતે પરપ્રાંતિઓ માટેનો મહાપર્વ કહેવાય અને એનો લાભ પણ કડોદરા નગરના જનો અમે બધા લઈએ છીએ વર્ષોથી, અને આજે છઠ પૂજા નિમિત્તે આ મહાપર્વ આપણે કહીએ તો માતાજીનું આ પર્વની ઉજવણી માટે કાલે રાત્રેથી અને આજે હમણાં પૂજા કરશે અને કાલ સવાર સુધીની જે પૂજા નો લાભ બધા લઈ રહ્યા છે અને ભાવિકો બહુ જ ઉત્સાહભેર આમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે। જી આપકા નામ? જસોદા। છઠ પૂજા હે તો કેસે કરતે હો? હમ લોગ બહુત કઠિન છે, સદીઓ સે આ રહે હમ લોગ કા છઠ પૂજા, મગર બિહાર સે કરતે કરતે ગુજરાત મે આ ગયે ઓર ગુજરાત મે ભી કરેંગે આ કરતે જાયેંગે। કોઈ ભી હોગા મગર હમારા છઠ પૂજા કભી ખતમ નહીં હોગા, કુછ ભી હો જાયેગા મગર યે તહેવાર કભી નહીં, ક્યોંકિ કોઈ ભી मरता हुआ ऐसा कोई चेहरा दिखाई नहीं देता है, मगर यही एक पर्व है कि जिंदा सब साथ जो संग देखते हैं सूरज भगवान को उसको पूजा करते हैं, कहीं पर नहीं है माटी के मूर्त को पूजा करते हैं मगर सीधे भगवान जी के देखते हुए नहीं, मगर हमारा ये त्यौहार है। कोई अंधरा है वो सही हो जाता है धारा भखने से, कोई अंधा है उसको सूरज भगवान से मानते हैं कि हमारा पति अंधा है अगर दिखने लगेगा तो मैं व्रत करूँगी वो सीधा हो जाता है, कोई बांझ है उसको वंश हो जाता है, तो हम लोग इसके लिए ये त्यौहार के सबसे बड़े माने हैं और सदियों से आता है और जिंदगी भर चलता रहेगा। परप्रांतीय लोगों नो मोटो त्यौहार एटले छठ पूजा। छठ पूजा में लोग नदियों नहरों में पूजा करे छे, परंतु कड़ोदरा नगर खाते आवेल आ कृत्रिम तरह बनावीने पूजा अर्चना करवामां आवे छे, जेथी सोशल डिस्टन्स नुं पालन पण थई सके अने पूजा अर्चना पण शांतिथी थई सके। अहीं ભક્તિમય માહોલમાં છઠ પૂજાની ઉજવણી થઈ છે। આજે સાંજે સૂર્યાસ્તના સમયે છઠ પૂજા થયા બાદ આવતીકાલે સવારે સૂર્યોદય સમયે ફરી છઠ પૂજા શરૂ થવાની છે। આ સવારે છઠ પૂજા બાદ લોકો વ્રત ખોલશે, જે ઉપવાસ ખોલશે। અહીં હાજર છે, આપણે પૂછીશું કે વ્રત છઠ વિશે શું છે મહિમા? ક્યાં નામ આપનું? કુશવા મમતા, શ્રી રવિ। ये छठ पूजा क्यों करते हो, काय के लिए कर रहे हैं? ये छठ पूजा हमारे मतलब सूर्य देवता की पूजा की जाती है हमारे इस छठ पूजा में, जिसमें छठी मैया मतलब कोई भी ऐसा त्यौहार नहीं है या फिर कोई भी ऐसा पर्व नहीं है जिसमें डूबते सूरज की पूजा की जाए, लेकिन ये हमारी छठ पूजा का ही त्यौहार है जिसमें डूबते सूरज की पूजा की जाती है। ये हमारे बिहार में सबसे महापर्व माना जाता है और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, और हम लोग भी यहाँ पे प्रदेश में आके ये पूजा बड़े धूमधाम से मनाते आए हैं और आगे भी मनाएंगे। जो आप ये पूजा किए कोई मान्यता रखते हैं तो क्या होता है उसमें? अलग अलग मान्यताएँ होती है, जो जैसा माने, कोई ज़्यादा सूप रखने का मानता है, कोई डबल सूप रखने का मानता है, मतलब अलग अलग, कोई सोते सोते घाट पे जाता है, कोई रोड बाहरते बाहरते जाता है, मतलब अलग अलग मान्यता है, सब अलग अलग करते। बोलो छठी मैया की जय। तेवी रीते अहीं बीजा पण एक भाई छे, तेने पूछीशुं के शुं छे, क्या नाम है? संजय गंगाभाई सिरवी। आ छठ का पर्व है और हमारे बिहारी भाई यूपी वाले सब जो छठ मैया की पूजा कर रहे हैं, तो हम भी उनकी पूजा में सम्मिलित होने इधर आए हैं और बड़ा आनंद महसूस कर रहे हैं कि आज कोरोना काल के दरमियान आज पहली बार छठ पूजा धामधूम से मनाई जा रही है। ये धामधूम से मनाई जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो अलग माहौल है कोरोना की वजह से, क्या कहेंगे उसके? हमने थोड़ी कोरोना की गाइडलाइन को भी फॉलोअप लिया है ताकि किसी प्रकार की कोई दुविधा उपलब्ध ना हो, उसको ध्यान में रखकर ये अलग से पंडाल खड़ा किया और पानी की व्यवस्था करके हम पूजा कर रहे हैं। આમ સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પણ પાલન કરી અને ધામધૂમથી પૂજા પર્વ ઉજવી રહ્યા છે। રમેશ ખંબાથી